Hello everyone. In this video, I am going to explain the lesson Taro's Reward. As you know, Taro's Reward is an interesting story from the NCERT book of English for class 6. So let's start the lesson. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long, he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. Yani Taro naam ka yuva lakrhara apne mata pita ke saath ek viran pahari ke kinare rehta tha. Woh din bhar jangal mein lakdi kaatta tha. Yadapi वह काफ़ी मेहनत करता था, फिर भी उसे कम पैसे मिलते थे, जिससे वह उदास रहता था, क्योंकि वह एक विचारवान लड़का था, विचारवान पुत्र था और अपने माता पिता के हर एक आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता था। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of soup. It would warm me and do my old heart good. एक दिन शाम को जब तारो अपने माता पिता के साथ अपने झोपड़ी के कोने में बैठा हुआ था, तभी अचानक तेज हवा चली। यह हवा सीटी बजाते हुए झोपड़ी के दरारों से होकर अंदर आ रही थी, जिससे सभी को ठंड महसूस होने लगी। तभी अचानक तारो के पिताजी बोले कि मेरी इच्छा है एक कप शेक पीने की। इससे उसे गर्मी महसूस होगी और उसके हार्ट को भी अच्छा लगेगा। दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वाज वेरी एक्सपेंसिव। हाउ डू आई अर्न मोर मनी He asked himself, How do I get a little sick for my old father? He decided to work harder than before. जब उसके पिता ने एक कप सेक पीने की इच्छा जाहिर की, तो तारो पहले से भी ज़्यादा उदास हो गया, क्योंकि इस तरह का हर्ट को गर्म करने वाला ड्रिंक, जिसे सेक कहा जाता है, काफ़ी महंगा था, कीमती था। तो अपने आप से बोला कि कैसे मैं ज़्यादा पैसा कमाऊं, ताकि मैं अपने बूढ़े पिताजी के लिए थोड़ा सा सेक खरीद सकूं। और ऐसा कहते ही उसने सोचा कि वह पहले से ज़्यादा काम करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm as that he had to take off his jacket. His mouth was dry, and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bone. अगले दिन सुबह तारो पहले से सवेरे अपने बेड से उठा और सीधा जंगल की तरफ चल दिया। वह काटता गया, लकड़ी काटता गया, सूरज चढ़ाई तू तेज धूप निकल आया। वह लकड़ी काटते काटते इतना गर्मी महसूस करने लगा था कि उसे अपना जैकेट भी उतारना पड़ा। उसका मुंह भी सूख गया था, उसके चेहरे पर भी पसीना थी। तो उसने सोचा कि कितना अच्छा होता कि यदि उसके पिताजी को भी इतनी गर्मी महसूस होती। और इतना कहते ही वह फिर से लकड़ी काटने लगा, काफ़ी तेज़ी से काटने लगा, और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो और तेज़ स्पीड से लकड़ी काटना शुरू कर दिया।
ताकि वह अपने बूढ़े पिताजी के लिए सेक खरीद सके। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ही वॉज थर्स्टी। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। तभी अचानक, जब वो लकड़ी काट रहा था, तभी अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई दिया। तो वो सोचने लगा कि क्या यह बहते हुए पानी की आवाज़ है, क्योंकि तारो कभी भी उस जंगल के उस भाग में किसी बहते हुए पानी यानी झरना के बारे में नहीं सुना था। तो उसको संदेह हो गया कि क्या यह सच में पानी यानी झरने की आवाज़ है। उसको प्यास भी लगी थी, तो झरने की आवाज़ को सुनकर उसके हाथ से कुल्हाड़ी भी छूटकर नीचे गिर गया और वह उस आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़ा। तारो साव ए ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक नेलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्विकली क्वाइटली। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक? ही टेस्टेड इट अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डेलीशियस सेक इंस्टीड ऑफ द कोल्ड वाटर। जब वहाँ पहुँचा तो तारो ने देखा कि वहाँ पे एक सुंदर सा झरना पहाड़ी के पीछे से बहता बह रहा है। तो जहाँ से पानी गिर रही थी वहाँ से घुटने के बल बैठकर उसने अपने चुल्लू में एक कप वह पानी लिया और उसको अपने होठों से लगाया, टेस्ट किया। तो उसको आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा क्या यह वह पानी है या फिर यह सेक है। वह बार बार उसका टेस्ट किया, तो जितना बार भी वह टेस्ट करता था तो उसको पानी के जगह पे, पानी के बदले में उसे स्वादिष्ट सेक का स्वाद आता था। तारो क्वाइट क्विकली फील्ड द पिचर ही हैड विथ हिम एंड हर्ड इट होम। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड। ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर। जब तारों को उस झरने के पानी से सेक का स्वाद आया, तो वह जो अपने पास उस मटका रखा हुआ था, घड़ा रखा हुआ था, उसमें उसको भर लिया और अपने घर की तरफ दौड़ा। सेक को देखकर वह बूढ़ा, उसके पिताजी, बूढ़े पिताजी काफ़ी खुश हुए और एक घूंट ही पीने के बाद उसकी कंपकपी समाप्त हो गई और उसने फ्लोर के बीच में ही अपना खुशी व्यक्त करने के लिए डांस भी किया। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर ए विजिट। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द सेक। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। थैंकिंग देम फॉर द डेलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन ए हरी। बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। उसी दिन दोपहर के बाद उसके एक पड़ोसी तारो के पिताजी से मिलने आए, जिसको तारो के पिताजी ने बड़ी विनम्रता के साथ एक कप सेक ऑफर किया। वह लेडी, वह सेक काफ़ी ग्रीडिली जो पी ली और उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। और उसके बाद तारों ने उस मैजिक वाटरफॉल के बारे में जो भी कहानी था वो सारा उस महिला को, उस लेडी को बता दिया। उसके बाद वह महिला जो है, यानी वह डेलीशियस ड्रिंक पीने के बाद वह महिला, वह लेडी जो है, काफ़ी तेज़ी में वहाँ से चली गई और शाम होते होते ही उस लेडी ने वाटरफॉल के उस कहानी को पूरे गांव में फैला दिया।
Now, I will discuss the remaining part of this lesson, this story, in the next video. Thanks.